गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर लेसन दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. सो टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फोर्स एंड प्रेशर एंड दैट पार्ट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो द बिफोर दैट लेट्स डिस्कस विद द व्हाट इज मीन बाय द एटमॉस्फेयर. सो वी नो दैट एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ द एयर अराउंड अस. हमारे अराउंड जो भी है एटमॉस्फेयर का एक लेयर है. ओके, मीन्स इट इज जस्ट लाइक एज अ ब्लैंकेट. सो द एनवेलप ऑफ द एयर अराउंड अस इट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. एंड दैट एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड अप टू द मेनी किलोमीटर्स. जो भी एटमॉस्फेयर है मेनी किलोमीटर्स तक क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है. सो दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. सो हेयर यू कैन सी दैट डाउन साइड इट इज अ अर्थ, देन द अपसाइड पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज अ ट्रोपोस्फेयर. देन आफ्टर द ट्रोपोस्फेयर द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज अ स्ट्रेटोस्फेयर. आफ्टर द स्ट्रेटोस्फेयर द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज अ मेसोस्फेयर. देन द थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इट इज अ वेरी हॉट पार्ट. एंड द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज अ एक्सपोस्फेयर. सो दीज ऑल आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट मीन्स दैट द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ टू द एक्सपोस्फेयर. सो दीज ऑल आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. मीन्स द ईच एंड एवरी पार्ट इन द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इन टू द ईच एंड एवरी लेयर. जस्ट लाइक एज अर्थ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सपोस्फेयर. द ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ वन कॉमन थिंग एंड दैट वन थिंग इज अ एयर. हर एक लेयर के बीच में अगर कुछ कॉमन चीज़ प्रेजेंट है दैट इज अ एयर. ओके, ये एयर हर एक लेयर के बीच में प्रेजेंट है. तो हम सबको पता है एयर मीन्स वॉट, एयर इज अ गैस. ओके, सो गैस इज हैविंग अ प्रेशर. हर एक एयर को, हर एक गैस को क्या है, प्रेशर. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज द एटमोस्फेयरिक प्रेशर. वंस अगेन यू जस्ट सी, एयर हमारा जो एटमोस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है. इस डिफरेंट लेयर के बीच में वन कॉमन चीज़ प्रेजेंट है दैट इज अ एयर. एयर क्या है, एयर इज नन अनदर, एयर इज अ गैस. गैस में क्या होता है, जस्ट लाइक एज अ लिक्विड एंड सॉलिड, गैस में क्या होता है, प्रेशर होता है. एंड दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई थिंक यू गॉट एवरी वन वॉट इज मीन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, एयर इज नन अनदर, एयर इज अ गैस. गैस में एक टाइप का प्रेशर होता है एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर दैट प्रेशर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो वी विल डिस्कस विद द एग्जाम्पल. जस्ट सी, वाई रबर सकर स्टिक्स टू द वॉल व्हेन इट प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल. जो भी रबर स्टिकर्स होते हैं वो वॉल के ऊपर क्यों चिपक जाते हैं. सो जस्ट सी, यहाँ पे एक रबर सकर है, उस रबर सकर को हमें वॉल पे स्टिक करना है. सो वेन एवर वी प्रेस द रबर सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द सरफेस एंड रबर्स एस्केप आउट. हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो भी रबर सकर और वॉल का सरफेस होता है उन दोनों के बीच में, जैसे कि एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है सो उन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एयर होगी. वो एस्केप्स आउट मीन्स वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो एयर प्रेजेंट हुई एयर निकल जाती है. और अगर उसके बीच की एयर निकल गई है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वंस अगेन जस्ट सी, व्हेनेवर वी प्रेस द रबर सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द सरफेस एंड द रबर एस्केप्स आउट. हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके रबर सकर और वॉल के बीच में जो भी एयर प्रेजेंट है वो एयर निकल जाती है. एंड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे जो रबर सकर है वो वॉल के साथ चिपक जाता है. सो व्हेनेवर वी वांट टू रिमूव द रबर सकर सो दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे एंड दैट फोर्स इट मस्ट बी मोर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब हम मोर प्रेशर अप्लाई करेंगे दैट टाइम जो रबर सकर है वो रबर सकर इजीली वॉल के साथ से रिमूव हो सकता है. सो यहाँ पे जो रबर सकर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वॉल के साथ स्टिक हो जाता है. और अगर हमें उसे रिमूव करना है तो हमें वहाँ पे
फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और वो फोर्स जो है वो फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम रबर सकर को इजीली रिमूव कर सकें। हम टूथब्रश के पीछे भी कुछ टूथब्रश के पीछे भी रबर सकर होते हैं, जिसकी वजह से टूथब्रश किसी भी वॉल पे या तो ग्राउंड पे स्टिक हो सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ग्लास का टेक वन ग्लास ले लो, उसमें पानी भर दो, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखो, कार्डबोर्ड रखने के बाद उसे उल्टा कर दो और देन अपने उस ग्लास से उसके ऊपर प्रेशर क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। व्हाट विल हैपन, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ग्लास को एटमॉस्फेरिक उल्टा कर दो और जो भी हमारे हाथ का प्रेशर है उसे रिमूव कर दो। जो भी हमने कार्डबोर्ड के ऊपर प्रेशर लगाया था उसके वजह से ग्लास में भी देख सकते हैं जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर। वाटर जो है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा में, जिसकी वजह से वाटर प्रेशर आ सकता है। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कार्डबोर्ड में क्रिएट हो गया है वो क्या करेगा, अपवर्ड प्रेशर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड ओनली बैलेंस हो सकता है and hence the cardboard remains in a water position, cannot come out, atmospheric pressure cardboard glass remains in a position se bhi so jo bhi upward force apply ho raha hai cardboard water cardboard ke upar jo atmospheric pressure stable ho jayega uski upward force apply ho jayega stable ho jayegi cardboard ke usse bahar andar se pani downside nahi aa sakta hai। These all are the examples, so students these all are the examples of the related to the pressure so I hope jo bhi pressure lesson ya force lesson jo related concept the aap sabko samajh mein aaye khatam hota hai। फिर भी आपको जिसको भी पॉइंट में भी आपको इस लेसन के कंसेप्ट नहीं समझ में आए हैं, द नेक्स्ट पीरियड नोट्स आई एम गोइंग टू टेक द रिवीजन ऑफ द सेम लेसन, आई विल प्रिपेयर वन अनदर वीडियो, इन दैट वीडियो आई विल कवर द होल लेसन, रिवीजन होगा। सो आई होप एवरीवन जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जिस स्टूडेंट को भी कुछ भी डाउट है देखे ना वीडियो खत्म होने के बाद उसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा और आपको नेक्स्ट पीरियड भी जो है वजह से जो भी न्यू वीडियोस में आपको इसके बाद ये वीडियो अपलोड करूंगी वो आपको तुरंत सब्सक्राइब समझ में चैनल होगा, आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जो भी वीडियोस में अपलोड करूंगी वो तुरंत जाएगी वीडियो। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।